ये उतर रही हैं ईंटें, अभी आई हैं 15,000, ये 15,000 ईंटें अभी उतर रही हैं यहाँ पे। आज बिन के कॉलम भरे जाएंगे, इसलिए ये सरिया सीधी की जा रही है और ये थोड़ी देर में जो है 1-2 घंटे के बाद बिन के कॉलम तैयार किए जाएंगे। ये सामने आज पड़ोसी का भी लेंटर पड़ रहा है, ये देखिए ये सरिया सीधी की जा रही है। और ये है डबल चना और ये है मिक्सचर और ये है कंक्रीट और ये है डस्ट। चिनाई के लिए है ये काम, जो है बहुत मजबूत चिनाई होती है इससे, डस्ट से। और ये रहा पानी का टैंकर, क्योंकि पानी भी यहाँ खरीद के लाना पड़ता है। यहाँ पर इस जगह पर हमने अभी अपना मकान तैयार करना है। थोड़ी देर में जब बिम के कॉलम भरे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। इस 10 टायरा लॉरी से उतारा जा रहा है सामान और ये उतरा अभी 30 कट्टे सीमेंट बिम के कॉलम भरने के लिए। ये एल शेप में सरिया मोड़ी जा रही है बिम भरने के लिए, जो कि हमारे पहाड़ में सभी लोग नहीं मोड़ते हैं, सीधा सरिया छोड़ लेते हैं और बिम डाल देते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये लोग एल शेप में सरिया मोड़ रहे हैं और तब इसको ज़मीन में जाला बुन करके गड्ढे में डालेंगे। और हमारे पहाड़ में ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, बिल्कुल सीधा बिम बना करके और एंगल ऐड के खड़ा कर देते हैं, जबकि वो बहुत कमज़ोर पड़ता है, निकली सरिया ज़मीन में धंसती जाती है, बिम बैठ जाता है और मकान भी बैठना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये पक्का काम होता है। ये एल शेप में मोड़ रहे हैं, जाला बांधेंगे और उसके बाद बिम के खड्ढे में डालेंगे। और ये मसाला तैयार हो रहा, सीमेंट, रोड़ी, बजरी, मिक्सचर और जीरा मिला करके और डस्ट और रेता मिला करके ये लोग बिम भरने के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। ये बिम भरने की तैयारी हो रही है, ये इसको भर दिया गया है और इसको भी है। दोस्तों ये पहले 4-4 इंच का एक मसाला डाल रहे हैं और उसके बाद जाला बांधा जाएगा। दोस्तों ये इस तरीके से पहले यहाँ पे जो है बिम को, बिम के नीचे वाले सतह पर ज़मीन में मसाला भरा जाता है। ये पूरा 4 इंच का पड़ेगा और 4 इंच के पड़ने के बाद इसमें जाले बुने जाएंगे। जैसे ये बिम है अभी, ये पूरा खाली है, इसमें भी 4 इंच का मसाला पड़ेगा, फिर जाले बुने जाएंगे। और अमूमन हमारे यहाँ करते क्या हैं कि सीधा उसको बिम को खड़ा करके और मसाला भरना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वो एक्चुअल में काम ऐसे होना चाहिए जैसे यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, ये देखिए। और ये कट चुके हैं सारे बिमों के सरिया, एक नाप में सारे बराबर काट दिए गए हैं। और ये है, ये जो सरिया का बंडल है ये है 8 mm का, 8 mm बोले तो, जिसको हमारे यहाँ 3 सूत कहते हैं। इस तरीके से बिम का निचला हिस्सा एल शेप में मोड़ दिया गया है और ये इस तरीके से बिम बांधा जा रहा है। ये इस तरीके से एल शेप में दोनों साइड मोड़ करके, ये है 6 सूत का सरिया जिसको कहते हैं 16 mm। कितना फुट का है उस्ताद ये सरिया, ये बीम कितने फुट का काटा है? 19.5 फुट का बीम, सारे इतने ही होंगे ना? सारे इतने। अच्छा, और ये कड़े भी यहीं पे बन रहे हैं। ये बिम बांध के लगभग तैयार हो चुका है, ये कड़े बन रहे हैं 6 सूत के
और चार सूत के और तीन सूत के सारे कड़े ये लोग अपने हाथ से बनाते हैं, जबकि हम लोग बाजार से खरीदते हैं। देख भाई उधर अंदर को तो आने का, इधर उठा कर ये जाल बिछा करके ऐसे बीम बांधे जा रहे हैं। देखिए ये इसमें बिछा दिया गया जाल और ये बीम खड़ा कर, ये अब बीम तैयार हो गया है, लगभग पूरा कंप्लीट हो गया और नीचे जाला लगा दिया गया है और ये बीम खड़ा कर दिया गया है। अब इसमें जो है पूरा जो खड्डा कॉलम आपको दिख रहा है ये भरा जाएगा मसाले से। ये सारे बीमों के कॉलम बिल्कुल तैयार हैं, ये सारे तैयार, मिस्त्री लोग अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पे सरिया कट रही है, 27 कॉलम अभी खाली है, इनमें थोड़ी देर में बीम डाला जाएगा। कल का पूरा दिन बारिश के नाम रहा है 31 मार्च का, और कल कुछ भी काम हो नहीं पाया, इसलिए कल की जगह उसकी रिकवरी करने के लिए आज बंदे बढ़ा दिए गए हैं। कल का जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको आज तेज़ी से शुरू करेंगे, तो बंदे थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। अब ये बीम के कॉलम भरने शुरू हो गए, ये है बीम नंबर दो, ये है बीम नंबर तीन, ये है बीम नंबर चार, ये बीम नंबर पाँच, ये बीम नंबर छः। ये जो सामने जहाँ से ईंटें लगा रही, इसके पीछे जो बेस बना हुआ है इसको बाद में पत्थर और आरसीसी के साथ भरान कर दी जाएगी, पूरा बीम ऊपर तक खड्डा भर जाएगा। और ये अभी 8 नंबर बीम भरा जा रहा है, उसके बाद फिर इसका नंबर है। ये मसाला लेकर के आ रहे हैं लेबर लोग, वो वहाँ पानी की टंकी खड़ी है उसके पीछे, वहाँ मसाला बन रहा है। ये मिस्त्री जी हैं, ये बन रहा बीम का मसाला यहाँ पे। ये देखिए जो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है यहाँ पे, ये देखिए ये जो बीम आपको दिख रहे हैं बांधे हुए, ये इनकी भरान चालू हो रही है आज।